नमस्कार, आवाज की दुनिया के दोस्तों का कथा मंथन में मैं सुनीता स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है लड़का लड़की, जिसके लेखक हैं अमरकांत। सितंबर बीतते बीतते बरसात समाप्त हो चुकी थी और आकाश निर्मल एवं नीला दिखाई देने लगा था। चंदर ने उन्हीं दिनों एक फिल्म देखी। वह गोरा, खूबसूरत और पतला छरहरा नौजवान था, जिसको चलते हुए देखकर किसी वायु प्रकंपित ताजे बेत की याद आ जाती। वह लाड़ प्यार में पला एक अच्छे खाते पीते देहाती परिवार का लड़का था, जो बीए की शिक्षा ग्रहण कर रहा था और विश्वविद्यालय के पास स्थित एक मोहल्ले में किराए के कमरे में रहता था। उस फिल्म का मुख्य अभिनेता उन्हीं फिल्मी लोकप्रिय नायकों की तरह था जो सर्वगुण संपन्न होते हैं। उछल कूद, फन, होशियारी, भावुकता का प्रदर्शन करके अंत में लड़की का हृदय जीत लेते हैं। फिल्में तो उसने बहुत देखी थी, लेकिन इसने उस पर गहरा असर डाला और कई दिनों तक वह सड़कों पर बेचैन घूमता रहा। अंधेरी रातों में आकाश एवं तारों की रहस्यमयता को निहारता रहा। उसके बाद वह शहर की उग्र राजनीतिक हलचलों में भी भाग लेने लगा। वह कभी किसी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होकर नारे लगाता तो कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण करता, और दो बार आगे बढ़कर उसने छात्रों की हड़ताल में हिस्सा भी लिया। इसी रास्ते में वह महानता के शिखर पर पहुंचेगा और अपने देश को महान बनाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह तेजी से साहित्य की ओर मुड़ा, क्योंकि किसी पत्रिका में एक कहानी पढ़कर उसको सहसा महसूस हुआ कि साहित्य का क्षेत्र ऊंची प्रतिभाओं से शून्य है। वह अब लंबी प्रेम कहानियां और कविताएं लिखने के साथ रतजगा भी करने लगा। उसने संपादकों के पास अपनी कुछ रचनाओं के साथ कुछ लंबे आदर्शवादी और व्यक्तिगत पत्र भेजे। जब कुछ रचनाएं लौट आईं, तो वह शहीदाना ढंग से व्यंग पूर्वक मुस्कुराता कि ये लोग एक दिन उसके पैरों पर गिरेंगे। वह अपने से बेहद संतुष्ट रहने लगा और अब उसको एक सुंदर लड़की की जरूरत महसूस होने लगी, जो उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उस पर अपना जीवन न्यौछावर कर दे। किंतु बहुत सी घटनाओं में तलाश करने के बावजूद भी उसे ऐसी लड़की नहीं मिली, तो वह अत्यधिक परेशान हो उठा, क्योंकि वह अधिक प्रतीक्षा अब नहीं कर सकता था। एक दिन सवेरे जब हवा तेज चल रही थी, तो वह अपने कमरे के सामने टहल रहा था, तभी उसकी दृष्टि तारा की ओर गई, जो खुली छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। वह उसी मकान में रहने वाले एक क्लर्क की लड़की थी, जिसके एक कमरे का वह भी किरायेदार था। लड़की का रंग सांवला था, शरीर लंबा तथा दोहरा, जिसके अलावा और कोई खास बात उसमें ना थी। वह बार बार अपने बालों को झटक रही थी ताकि उन पर धूप पूरी तरह से पड़ सके। इसके लिए शरीर को कभी बाईं ओर मोड़ लेती तो कभी दाईं ओर। एक बार हवा इतनी तेज चली कि उसके बाल उड़ने लगे, गोया असंख्य काले सर्प भाग रहे हो। उसका आंचल उड़ उड़ जाता, जिसको संभालने में उसको बड़ा मजा आ रहा था। वह शरारत से मुस्कुराई और तभी उसकी नजर सामने चंदर की ओर पड़ी। वह बेहद संकुचित हो गई और अपने शरीर को सिकोड़ झुकाकर घर के अंदर भाग गई। चंदर को बेहद आश्चर्य हुआ, उसने कभी सोचा भी ना था कि उस लड़की में इतनी चंचलता और शोकी हो सकती है। कमल के नाल की तरह झूलती नंगी बाहें, हथली की तरह मांसल शरीर, दरअसल उसने उस लड़की को कभी महत्व ही नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसको ठीक से देखा भी नहीं था। यद्यपि वह उसके घर के अंदर आता जाता था और उसके यहाँ दावतों और समारोह में कई बार शामिल भी हो चुका था, उसका ख्याल था कि वह एक भोंदू, गंदी और आलसी लड़की है, जैसे कि क्लर्कों की लड़कियों के बारे में उसकी राय थी। वह 3 मील पैदल चलकर कॉलेज पहुँचती थी और उतनी ही वापस लौटती थी। मामूली कपड़े पहनती थी तथा घर में डांट फटकार सुनती थी। यह सब सोचकर चंदर को उस लड़की पर इतनी दया आई कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रबल आक्रोश से भर उठा। वह उस लड़की के भाग्य को सुधारेगा, इस तरह समस्त सामाजिक व्यवस्था पर क्रूर प्रहार करेगा तथा एक साधारण लड़की को प्यार करके देश के सामने अपनी महानता को सिद्ध कर देगा। और इस महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंचकर उसको अपने ऊपर एक वीर नायक की तरह गर्व हुआ। वह बहुत ही आसानी से उत्साह एवं उमंग की मूर्ति बन गया और दूसरे दिन से ही उस लड़की को एक ऐसे प्रेमी की नज़र से देखने लगा जो अपने प्यार की खातिर बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हो। जब वह कॉलेज जाने लगती तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता और कॉलेज से लौटने के समय भी वह मौजूद मिलता। कभी कभी वह कुछ देर तक उसका पीछा भी करता, कभी रास्ते में खड़ा दिखाई देता तो कभी कभी छुट्टी होने के समय कॉलेज के गेट पर। इसके बाद वह उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। क्या समय है, आज देर क्यों हो रही है, कॉलेज में आज छुट्टी नहीं है, उखड़े उखड़े से प्रश्न।
आंखों में दया, दुख और शहादत की भावनाएं तैरा करती। फिर तो उसकी गतिविधियां कुछ इस ढंग से बड़ी कि लड़की को सचेत हो जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो उसको अचंभा हुआ, फिर वह उसको अविश्वास से देखने लगी। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद उसकी आंखों में एक अजीब भय भी झांकने लगा। उस दिन चंद्र काफी आगे बढ़ गया जब वह अपने कमरे में बैठा था और तारा कॉलेज से वापस आई। चंद्र ने पहले कमरे के दोनों दरवाजों के बाहर देखा और जब कोई दिखाई ना पड़ा तो गलियारे से जल्दी जल्दी गुजरती हुई तारा को उसने सामने बुलाया। तारा ने उसको चौंक कर देखा, फिर उसका चेहरा फक पड़ गया और वह डरती डरती कमरे के अंदर आई, सर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तारा? चंद्र ने किसी हितैषी के अधिकार से पूछा। ठीक चल रही है, कोई कठिनाई है? नहीं। कठिनाई महसूस होने पर पूछ सकती हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं देख सकता। तारा का सर झुका झुका सा रहा। चंद्र ने उठकर कमरे में दो बार चहलकदमी की, फिर वह तारा के एकदम निकट आकर बोला, तारा तुमको डरना नहीं चाहिए, अपने को हीन नहीं समझना, तुम में बहुत सी अच्छाइयां हैं, डरने की क्या जरूरत है? उसकी बातों का तारा पर ना जाने कैसा असर हुआ कि उसका चेहरा रुद्रन की हल्की लकीरों में खो गया और वह अचानक छटक कर कमरे के बाहर निकल गई। तारा ने जल्दी से किताबें रखी, एकांत कमरे में बैठकर चुपचाप आके पहुंचने लगी। वह सचमुच अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगी, गोया किसी ने संकेत करके यह बता दिया हो कि उसका स्थान कहाँ है। वह अपने माँ बाप की प्रथम भूख प्यास की लड़की थी, जो उसको कभी बहुत लाड़ प्यार भी किया करते थे। उसका दिमाग बहुत अच्छा था, अपने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास करती रहती, लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार की संख्या बढ़ती गई और बाजार में जरूरी सामान की कीमतें चढ़ती गई। उसके परिवार पर काली छाया मंडराने लगी। जब घर में रोज ही लड़ाई झगड़ा होने लगा, मामूली बात पर छक-छक और गाली गलौज, पिता नाराज होकर घर से निकल जाते, कभी माँ खाना पानी छोड़कर अपने को कमरे में बंद कर लेती, स्वयं उस पर भी तो रोज डांट फटकार पड़ती थी, उसको छाती फाड़कर काम करने पड़ते, बच्चों को संभालना पड़ता और छोटे भाई को गोद लादना पड़ता। कई बार उसकी पढ़ाई छुड़ाने की बात आई, जिसके लिए कई बार उसकी माँ ने जिद ठान ली, लेकिन उसके पिता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वह जानते थे कि बिना पढ़ाई लिखाई के शादी नहीं हो पाएगी, और शादी जल्दी ना भी हो तो लड़की अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाएगी, लेकिन घर के घुटन भरे वातावरण ने उसकी उमंग को समाप्त कर दिया और वह घर तथा काम से भागने लगी। जब कॉलेज जाने का समय होता तो उसके उत्साह की सीमा न होती, उसकी टांगों में अजीब सी स्फूर्ति आ जाती और वह सारा काम जल्दी निपटाकर बाहर निकल जाती। फुर बाहर निकलकर उसको अजीब सी शांति महसूस होती। काश काश वह अपने घर कभी ना आ पाती और इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती। लेकिन शाम को जब वह घर लौटती तो उसको महसूस होता कि मानो उसके पाँव में मन मन के बोझ बांध दिए गए हों और हृदय पर एक भारी शिला रख दी गई। कैसी मजबूर और हीन भरी जिंदगी है। उसका रुद्रन सिसकियों में बदल गया, जिसके थमने पर वह चंद्र से कई बातें सोचने लगी। उसको एक अजीब सी ताजगी और नवीनता का अनुभव होने लगा, तथा यह भी कि उसका भी कुछ महत्व है। बादलों की तरह निरुद्देश्य भागते हुए उसके मन को एक ठोस आधार प्राप्त हुआ था। देखते ही देखते सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसके मन में एक प्रबल आंधी चलने लगी। रात में वह चारपाई छोड़कर चुपके से खुली छत पर आ जाती और अंधकार में कुछ तलाश करने लगी। लगातार बरसते हुए पानी को देखकर उसकी आंखें भर जाती और कुछ ही दिन बाद वह कुछ पूछने के बहाने किताब लेकर चंद्र के कमरे में पहुंच जाती और शीघ्र ही इस पूछने और बताने के बीच प्यार का नाटक खेला जाने लगा। अंत में वे छिप छिप कर मिलने लगे, कभी रात के अंधेरे में और कभी कॉलेज के फाटक पर। मेरा साथ दोगी? चंद्र कभी पूछता। मैं नहीं जानती, तारा शर्मा कर कहती। नहीं, मैं साफ साफ बातें सुनने का आदी हूँ। दूंगी दूंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, चंद्र गर्व से कहता। इसके बाद तो चंद्र बहुत ही ऊंचाई से अपना जीवन दर्शन पेश करने आ जाता। उसकी बात मेरे विचार मैं या मैं यह सोचता हूँ से शुरू होती थी। उसको पूरा विश्वास था कि वह एक महान क्रांतिकारी परोपकार कार्य कर रहा है, जिसमें अपनी पूर्ण विजय और सर्वोच्चता की बात सोचकर सारे समाज को अपने शत्रु के रूप में कल्पना करने लगता। अपने प्यार को लेकर वह निरंतर संघर्ष और लड़ाई की बात सोचता और इसलिए तारा को वह तैयार करना चाहता था। तारा, तुमको बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको किसी से डरना नहीं है, तुमको अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक पढ़ना है। किसी के सामने आने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मैं सबको देख लूंगा। तारा, मुझे योग्य स्वाभिमानी स्त्रियां पसंद है, तुम्हें मेरे विचारों के योग्य बनना है। जाड़ा और गर्मी बीत गई और फिर आ गई बरसात।
तारा इंटरमीडिएट पास करके बीए में पहुंच गई। इन कुछ महीनों में चंदर के प्यार और विचार ने उसके जीवन को संपूर्णतः बदल दिया। उसकी आंखों में सदा एक चमक दिखाई देती, जैसे प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज का अंधेरा फट जाता है। उसने अपने और जीवन के दोषों को नई दृष्टि से देखा। जल्दी से जल्दी चंद्र के अनुकूल बनने के लिए उत्सुक हो उठी। उसके होठों पर सदा एक मधुर और विश्वासपूर्ण मुस्कुराहट छाई रहती और वह उत्साह, स्फूर्ति, स्नेह और सद्भाव की मूर्ति बन गई। वह तड़के ही उठ जाती, घर की साफ सफाई करके खुद नहाकर अंगीठी जला देती और समय पर नाश्ता करके सबको आश्चर्यचकित कर देती। उसने दूसरों की अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। उसने सबके कपड़े प्रेस करने, पिताजी तथा छोटे भाइयों के जूते पॉलिश करने तथा माता जी के लिए तंबाकू चढ़ाने का भी नियम बना लिया। जब माँ सवेरे नियमित रूप से पानी भरे लोटे में रखी नीम की दातून तथा भोजन के समय सबको प्याज और चटनी अवश्य मिल जाती, वह छोटे भाई बहनों को समय पर उठाकर तैयार कर देती, उनको खिला पिलाकर पढ़ने के लिए बैठा देती। जब वह कॉलेज जाती तो उसका मन सदा चंदर के प्यार से पुलकित रहता और अपनी सहेलियों के सामने भी वह बातचीत में सदा चंदर के विचारों को ही दोहराती। उसका जीवन एक महान दिलचस्पी, विश्वास एवं प्रतीक्षा में परिवर्तित हो गया था। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो उसकी माँ उसके छोटे भाई पप्पू को गालियाँ दे रही। माँ यह ठीक नहीं है, तारा ने कहा। क्या ठीक नहीं है? गालियाँ देना? अरे मेरी भौजी, तू मुझे सिखाने चली है? आओ तो झाड़ू से बात करूँ। तारा का मुंह क्रोध से तमतमाने लगा, आंखें चमकने लगी। उसने झंझनाती आवाज में कहा, आप मेरे प्रति ऐसी जबान में नहीं बोल सकती। क्या तेरी यह हिम्मत? मैं अब बड़ी और जिम्मेदार हो गई हूँ, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे पप्पू, बुला ला अपने बाप को तो, उसकी माँ चीख पड़ी। आने दे उनको, मैं तेरा दीदा नवाती हूँ। बाप रे, यह लड़की हाथ से निकलती जा रही है। ठहर जा, मैं तेरा पढ़ना लिखना छुड़ाती हूँ और इसी साल तुझे घर से भगाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तारा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या कहा? शादी नहीं करेगी? नहीं नहीं, तो क्या करेगी? मेरी छाती पर मूंग दलेगी? मूंग क्यों दलूंगी? मैं अधिक से अधिक पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं अपनी समस्या खुद हल करूंगी, तुमको किस बात की चिंता है? पढ़ूंगी, माँ होठ विकृत करके बोली। तू पढ़ेगी क्या? सारे खानदान की नाक कटवाएगी। रह, जबान लड़ाने का मजा चकाती। उसके बाद माँ ने पास रखे एक डंडे को उठा लिया और आगे लपक कर उस पर प्रहार करने लगी। तारा पहले चीखी, उसके बाद काट की तरह खड़ी होकर मार खाती रही। उसका मुंह लाल हो गया और आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। आंसू से भीगे हुए होठ में वह बिगड़ गए। मार कर तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मेरे विचार बदल नहीं सकती। तारा ने भोजन त्याग दिया। वह पहले की तरह ही सब काम करती रही, लेकिन अन्न को हाथ ना लगाती। पहले तो मान जिद में कुछ ना बोली, लेकिन जब दो दिन बीत गए तो माता ठनका, इसको पता नहीं क्या हो गया है, कहीं सचमुच जान ना दे दे, इसके लक्षण इधर समझ नहीं आते। देर तक बनाव श्रृंगार करती रहती है, बातें भी बुजुर्ग की तरह करती है। लड़कियों को यह सब शोभा नहीं देता, इज्जत आबरू के साथ दिन कट जाए यही बहुत है। उसने अब पति से सारी बातें कह देना उचित समझा और कहकर स्वयं रोने लगी। पति ने पहले पत्नी को फटकारा, फिर वह तारा के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने साफ साफ कहना उचित समझा। प्रश्न पर प्रश्न तारा पहले हिचकिचाई, लेकिन पिता ने कहा कि वह पढ़ी लिखी लड़की है, वह उससे साफ साफ बातें सुनना चाहती थी। पिता के स्वर में अपार सहानुभूति थी। तारा अपने को रोक ना सकी, उसने सब कुछ बता दिया और उसकी हिचकियां बंद गई। पिता का चेहरा गंभीर हो गया और वह वहां से उठाए, वह टहलने लगे चुपचाप। कभी यह लड़की इतनी कितनी छोटी थी और आज बड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है? जमाना कितना बदल गया है, क्या ऐसा हो सकता है? काश ऐसा हो सकता। विभिन्न जातियों के बीच आज शादियां होने लगी हैं, इसमें क्या खास बात है? फिर वह तिलक दहेज से बच जाएंगे, जिसके लिए कर्ज के अलावा कोई और चारा नहीं है। लड़का बुरा भी तो नहीं है। फिर देर तक सोचते रहे, फिर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि तर्क एवं सच्चाई के सहारे जब वह दो कदम आगे बढ़ते थे तो पुराने संस्कार उनके कदम पीछे खींच लेते थे। रात में देर तक पति पत्नी में खुसुर पुसुर होती रही। बीच में पत्नी रोई चिल्लाई, फिर पति देर तक समझाते रहे, स्पष्ट दृढ़ आवाज, तर्क संगत बातें, नए जमाने के विचारों को स्वीकार करने की दलीलें। पत्नी का विरोध मंद पड़ने लगा, फिर पता नहीं कब सब कुछ खामोश हो गया। तारा सारी बातें छिपकर सुन रही थी। जब वे सो गए तो वह चुपकी से दबे पांव निकली, खुशी के मारे उसकी देह थरथरा रही थी। चंद्र को वह कब सुनाएगी? चारों ओर घना अंधेरा कुंडली मारकर बैठा था, हवा गुमसुम थी जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। चंद्र अभी सोया नहीं था, खटखटाहट सुनते ही दरवाजा खोल दिया और हाथ बढ़ाकर तारा को अपने पास खींच लिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, तारा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थी। क्या बात है? चंद्र ने लापरवाही से पूछा। मिठाई खिलानी पड़ेगी,
जरूर, अब बताओ तो सही। पिताजी राजी हो गए। राजी हो गए? क्या मतलब? चंद्र को कुछ समझ नहीं आया। तारा ने विस्तार से सब बातें सुनाई। उसके स्वर में उमंग की तेजी और चमक थी। चंद्र का चेहरा सहसा फक पड़ गया। उसने अपने को आलिंगन से मुक्त कर लिया और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। शादी, शादी। वह अपने को महान समझता था और उसकी कल्पना थी कि उसका प्यार महान संघर्ष, महान तूफान और महान कुर्बानी के दौर से गुजरेगा। उसके प्यार की ऐसी साधारण परिणति होगी, उसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उसका मुंह देखते ही देखते कठोर हो गया। क्या बात है? तारा डर गई। यह धोखा है, उसने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा। धोखा? कैसा धोखा? तुम धोखेबाज हो। तुमने शुरू से आखिर तक मेरे साथ धोखा किया है। मैंने क्या धोखा किया? तारा ने कहा। बताते क्यों नहीं? हाँ किया है, इसी के लिए तुम मेरे पीछे पड़ी थी। पर आज मैं समझ गया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती, तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़ा काम? बड़ा काम और कैसे हो सकता है? तारा का भी चेहरा अपमान से तमतमाने लगा। बड़े काम करने के लिए बड़े तरीके होते हैं, उसके लिए बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तुम उनके काबिल नहीं हो। चंद्र बोला, मैं अब समझ गई। तारा के स्वर में तीखापन था। क्या समझ गई? आप मुझे प्यार नहीं करते, आप प्यार कर ही नहीं सकते। क्या मतलब? चंद्र चौंक पड़ा। मतलब स्पष्ट है, प्यार की चरम परिणति है शादी। इसी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष और कुर्बानियां दी जाती हैं। लेकिन अब यह मंजिल प्राप्त हो जाती है तो आपको खुशी नहीं हो रही? इसका अर्थ है कि आपके संघर्ष की बातें जिम्मेदारियों से बचने और स्वार्थ को छिपाने का बहाना है। मैंने तो जीवन के आरंभ से ही संघर्ष किया है, आपने क्या किया? आप भूख जानते हैं, आपको गरीबी, जलालत, घुटन, ऊब, निराशा का पता है। साफ तो यह है कि आपको एक नारी देह की जरूरत है और जरूरत है अपने अहंकार की तृप्ति की। क्या वाहियात बक रही हो? चंद्र ने घूर कर कठोर स्वर में कहा। हाँ वाहियात बक रही हूँ, तारा और बीती की आवाज में बोली। लेकिन आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैं आपको कितना प्यार करती हूँ नहीं बता सकती, लेकिन आज आपकी भी गलत बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका भी ऐसा ही कहना है। आपके लिए तो मैं बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार थी, लेकिन इधर मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि आप केवल अपनी बातों को महत्व देते हैं, दूसरों की भावनाओं की आपको कतई परवाह नहीं। कितनी बार मेरी यह इच्छा हुई कि आपसे अपने मन की बातें कहूँ, अपने दुख सुख, अपनी कल्पनाओं की, भविष्य की। कई बार कोई अच्छी किताब पढ़कर आती तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहती, लेकिन आप मेरी हर बात को काटकर अपनी बातें शुरू कर देते। वही उपदेश, वही छात्र आंदोलन के अनुभव। आपकी दो ही बातों से मतलब है, एक मेरी देह से और दूसरा मुझे उपदेश देने से। मैं मेहनत करूं, मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाऊं तो आप क्या करेंगे? आप क्या मेहनत करते हैं? बात तो यह है कि आप सदा हवा में उड़ते रहना चाहते हैं, और आज जब जमीन पर उतरने का मौका आया, त्याग करने का समय आया, तो आप आज जान बचाना चाहते हैं, इसलिए आप नाराज हैं। अपने लिए मौजपूर्ण गैर जिम्मेदार और दूसरों के लिए परिश्रम, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही आपका जीवन दर्शन है। और पर मैं आपसे यह पूछती हूँ कि आपने मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? खैर यह बात तो गांठ बांध कर रख लेना कि मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं रह सकती। अंत में अपनी बातें रुद्रन में बिखर गई और वह तेजी से बाहर निकल गई। चंद्र कुछ देर तक कमरे में सुन खड़ा रहा। ऐसी उम्मीद उसको ना थी। कुछ क्षणों के लिए उसको लगा कि तारा की बातें सही हैं। तब वह अपने को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने को इस भावना से मुक्त कर लिया। उसका मुंह क्रोध घृणा से विकृत हो गया। एहसान करने का यह फल मिलता है जिसको उसने कीचड़ से निकाला था, वह अब उसी पर प्रहार कर रही है। यह है दुनिया, अरे यह है दुनिया। उसने अंधेरे में थूका और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तो यह थी दिलचस्प कहानी लड़का लड़की, जिसके लेखक हैं अमरकांत।